सीढ़ी चढ़ते समय जोड़ों का दर्द, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, हाथ पैर में जलन होना, ऐसी सारी समस्याएं उन्होंने ठीक की 20 दिन के अंदर। तो किसने ठीक की, उनका नाम क्या है, कैसे ठीक की, चलिए उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? सुंदरी शिवराज। ठीक है, नमस्ते सुंदरी जी। नमस्ते सर। ठीक है, बोलिए क्या तकलीफ थी आपको? सर जैसे भी आपने बताया, सीढ़ी चढ़ते हुए पैर में दर्द होना, बर्निंग सेंसेशन, और ये हाथ पैर में अभी जलन होना। जैसे अभी मेनोपॉज आ रहा है तो बहुत हाथ पैर में जलन होता था शाम को, और बाहर का तो मैं कुछ नहीं खा सकते थे। ये सब तकलीफ। आप पहली बात कहाँ रहते हो? मैं तो सर अभी विरार रहती हूँ। विरार में रहते हो ना? ठीक है, तो जोड़ों का दर्द में सबसे पहला आपको घुटने में, कितना एज है आपका? मेरा सर 52। 52, और मेनोपॉज हो गया? हाँ सर, मेनोपॉज हो गया। ठीक, तो ये जो सबसे पहला तकलीफ था अपना, नी पेन, घुटने का दर्द था। हाँ सर। सीढ़ी चढ़ते समय होता था? हाँ सर। तो कैसा होता था पेन वो, मतलब कब ज्यादा बढ़ जाता था? सर शाम को, जैसे अभी कहीं भी सीढ़ी चढ़ो, जैसे ये क्लिनिक सेकंड फ्लोर पे। हाँ, तो चढ़ते वक्त मतलब आराम से, मतलब थोड़े देर वेट करते ही फिर ओपन आना, ऐसे में डायरेक्ट नहीं आ सकते थे, रुक रुक के आना पड़ता था। हाँ सर। अगर स्टेशन का सीढ़ी चढ़ना है तो? हाँ सर, मेरे को सोचना पड़ता था, मैं हस्बैंड का हाथ ऐसे पकड़ के, किसी के हेल्प लेके आते हेल्प थे। लेके चढ़ना। हाँ, एक ही घुटने में होता था या दोनों घुटने में? नहीं होता सर, था? दोनों भी घुटने में, दोनों में होता था। और एक्टिविटी करने के बाद दर्द ज्यादा होता था या हाँ मतलब सर, जैसे 24 घंटे रहता था? नहीं सर, जैसे किचन में खड़ा रहा बहुत देर है या कुछ, मतलब बाहर गया हूँ तो तकलीफ होती है। ठीक है, और सर हाथ में भी मेरे अकड़न हो गया हाथ था, में? हाँ, उंगलियों कहाँ में, ये बीच वाली उंगली और ये थंब में, ऐसे करके बताओ, ऐसे में सर, एक ये वाले पे ये, होता हाँ, था? और ये सर, ये तो कम है बट इसमें बहुत था। आप ऐसा हाथ मोड़ नहीं पाते थे हाँ सर, ना, ये उंगलियाँ ऐसे क्या नहीं होता होती था अगर मोड़ते थे? तो बहुत दर्द होता था, मुझे नहीं होता था, जैसे आटा गूंदना, जो रोज का जो काम है वो नहीं होता था वो सर। दर्द सुबह ज्यादा होता था सर या शाम सुबह को? सुबह बहुत होता सुबह था। के समय थोड़ा एक्टिविटी किए तो अच्छा हाँ, तो वो लगेगा। फिर नॉर्मल हो जाता अभी था। पूरा मुट्ठी बंद करो, अभी तो सर पूरा होता हाँ है सर, दर्द हो रहा है नहीं सर, बिल्कुल नहीं वो दर्द। पूरा निकल गया। हाँ सर। ठीक, फिर दूसरी आपने तकलीफ बोली थी एसिडिटी। हाँ एसिडिटी में सर। क्या होता था? एसिडिटी सर, कुछ भी मतलब खाया तो, मतलब एक तो हजम नहीं होता और जलन होता था सर, सीने में छाती, जलन सीने में होता होता था, था जलन, उल्टी जैसे भी लगता था या केवल जलन होता जलन था? होता था। और कब कब वो ऐसे, वो जो पित्त का जैसा, जो पानी जैसा आता है हाँ, वैसा पानी होता था। निकलने जैसा हाँ होता वैसा था। था। ठीक है, हाँ सर। फिर आपने कॉन्स्टिपेशन बोला था, उसमें क्या होता था? कॉन्स्टिपेशन मतलब सर, कभी मतलब स्टूल नहीं होता था, फिर घबराहट होते थे, फिर मैं दवाई लेती थी, पेट मैं साफ की कहा दवा हाँ लेते थे? हाँ सर, हाँ, वो मैंने बहुत लिया, वो तो मैं बोलूँगी आपको, कितने साल लिया आपने पेट साफ का मैं बहुत दवा? लिया सर, मुझे वैसे घबराहट होती, मतलब मैं नहीं होगा दूसरे दिन, तो ऐसे लगता था अरे पैनिक हो अब जाते थे? हाँ, कि अब नहीं, अब वो लेने से ही होगा, तो मैंने बहुत ऐसे वो भी लिया है कितने साल लिया होगा पेट साफ की लिया दवा? होगा सर, मैं मुझे अब तो याद नहीं, वरना 1 साल तो लिया होगा एक बहुत। साल के ऊपर लिया हाँ था। सर। ठीक, फिर आपने बोला था कि आपको राइट साइड के शोल्डर में भी आपको हाँ तकलीफ सर। होता है, वो हाँ कब सर। होता था? सर ये जब अभी जब मेरा यूट्रस का जो ऑपरेशन हुआ, हिस्टेरेक्टॉमी, हाँ, इसके हिस्टेरेक्टॉमी। बाद सर ये हाथ में जो उंगलियों में जकड़न होना, और हाँ, ये सर ये राइट साइड की, यहाँ से सर से ये हाथों में ऐसे बहुत ये होता था, दर्द होता था वो सुबह ज्यादा होता था या पूरे सबसे, टाइम होते नहीं रहता सर सुबह सबसे था? और ज़्यादा थोड़ा सुबह, एक्टिविटी करने से अच्छा फिर लगता था? नॉर्मल हो जाता था। अच्छा लगता हाँ था। ठीक, सर। फिर आपने बोला था कि बर्निंग सेंसेशन होता था आपको राइट हाथ में और राइट हाँ पैर में, हाँ सर, जलन होता था, वो जलन कब होता होता था सर, था? वो इतना जलता था, मुझे समझ में नहीं आता था क्यों मेरे हाथ में जलन होता है, शाम को भी होता था, सुबह भी कभी कभी होता था, फिर शांत हो जाता था, बहुत जलता था, पैर भी नीचे बहुत, मतलब पैर के नीचे बहुत जलन होता था। पानी वानी डालना पड़ता था हाँ इतना सर। जलन? हाँ सर, बहुत जलन होता था। ठीक, हाँ फिर आपने बोला था मॉर्निंग में ये अकड़ा हुआ रहता था और बार बार मुंह में छाले आते हाँ वो थे। भी है सर, छाले बहुत आते थे मुझे ऐसे, तो मुझे कुछ खाने नहीं होता था, तीखा तो मैं खा ही नहीं सकते, बट खट्टा अभी खाने से भी आता था? हाँ सर, बट कौन कौन सी चीज़ आप नहीं खा पाते थे? मतलब जैसे तली हुई या पनीर, वो सब आइटम तो मैं बिल्कुल भी नहीं खा सकती, तीखा भी, तीखा मेनली, तीखा खाने से मुझे वो होता ही है, मुझे पता है, क्या होता था अगर खा लिया तो तीखा? खा लिया तो सर 2-3 दिन के बाद मुझे पता चलता है कि, जैसे मेरा एक दाल, हमारे घर में बनता है तीखा दाल, मैंने बहुत कहाँ दिन से हो के, आप? जैसे साउथ से हूँ सर, कहाँ पे? साउथ साउथ में? से मतलब करूर से हूँ सर, कर्नाटका से ना? नहीं करूर, करूर करूर कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में। अच्छा, तमिलनाडु। हाँ तो सर। वहाँ पे क्या बनता है तीखा? सर तीखा तो बहुत तीखा, एक कारो कड़म मतलब तीखा ही, आलू डाल के ऐसा तीखा बनता है, इमली तीखा डाल के, भाजी लोग टाइप बहुत पसंद है, मम्मी टेस्टी होता है। हाँ बहुत पसंद, तो मैंने बहुत दिन के बाद सोचा चलो खा लेते, बट नहीं सर, बहुत तकलीफ हुआ,
फिर अभी मैंने धीरे धीरे माइनस कर कम दिया। किया हाँ ना, सर, ठीक है। हाँ सर, तो इनकी इनको और हाँ, आपको हम जब भी लीवर के यहाँ पे हाँ चेक करते थे, हाँ लीवर सर, स्प्लिन, हाँ सर, तो क्या होता तो था? बहुत सर पेन होता था मुझे, लीवर के यहाँ पेन होता था और ऐसा सूजन हो जाता था। आपने सूजन बोला हो, सूजन हो गया है करके, लीवर में तो वो सूजन। बहुत पेन होता था हमेशा, तो अभी उससे मेरे को बहुत रिलीफ हुआ। तो आपने इलाज चालू किया था इन्होंने 2021 में अप्रैल में, 4 अप्रैल हाँ को। सर, फिर बीच में ट्रीटमेंट थोड़ा इरेगुलर अपना हाँ होता हुआ था, हुआ, तो उसके बाद हमने उनको चेक किया। चेक हाँ करके हमने डायग्नोस किया कि आमवात की तकलीफ आपको तकलीफ है, थी, हाँ सर, तो आपको विरेचन किया था हमने ओके, ना, हाँ सर, विरेचन मतलब घी पिला के लूज मोशन किया था। हाँ सर, तो कैसा था लूज मोशन करने के बाद, बहुत अच्छा लगा, क्योंकि उसके पहले आप लोग ने मुझे तैयार किया था घी देकर, तो उससे मालिश मुझे, करके? हाँ, हाँ, और जिस दिन विरेचन था उस दिन आप लोग ने वो काढ़ा दिया, और पहले आपने वो दवा दिया खाने को। दवाई हाँ दिया, तो उससे मुझे, मतलब मुझे कोई थकावट नहीं, मैं आराम से, विरार मुझे जाना था तो भी मैं आराम से स्टेशन से चली गई, विरेचन होने के बाद भी आप हाँ जा मैं पाए, आराम से, कोई तकलीफ नहीं हुआ सर, और उसके बहुत ही अच्छा बाद लगा। 5 दिन रेस्ट दे के बस्ती हाँ किया। आज हाँ आपका आखिरी दिन था, आखिरी आठवां दिन था, दिन। हाँ सर, तो अब बस्ती करके कैसे लगता है? बहुत ही अच्छा सर, बहुत ही रिलीफ लग रहा अंदर से आप है बोल रहे थे अच्छा लग रहा हो, कैसा? बहुत ही, और इसके लिए मैं सबको, मतलब क्या बोलूँ, मुझे रोने जैसा। ठीक है, गुड। तो उन्होंने एफर्ट भी अच्छे किए, वो विरार से अप डाउन करते थे और उन्होंने कंटिन्यू, जो उनको हमने 8 दिन की बस्ती बोली थी, तो प्रॉपर वो टाइम पर आए, उनको मसाज किया और बस्ती की। तो उनका केस जो था वो मेनली वात पित्त डोमिनेंट जैसे ज़्यादा था, थोड़ा सा आम भी था। तो फिर हमने उनको पाचन की औषधियाँ दी थी और कई थोड़ी सी जलन कम करने वाली दवाइयाँ भी दी थी, सारीबा था, स्वर्ण राजवंगेश्वर, पंचतिक्त, रस पाचक था, और खदिरादि वटी उनको कई बार चूसने के लिए दी थी, कई बार आरोग्यवर्धिनी लीवर की तकलीफ ठीक करने को दी थी। ये सारा शमन, बीमारी दबाना एक अलग था, पर जैसे ही उनको विरेचन और बस्ती की, उनको 20 दिन के अंदर मस्त आराम हो गया। हाँ सर, हाँ, तो बहुत कैसा अच्छा लगता है, है एक्सपीरियंस आयुर्वेद का, बहुत ही अच्छा, 20 दिन में आयुर्वेद में अच्छा बहुत लगता अच्छा। है? और मैं और भी मेरे फैमिलीज़ को, सबको मैं रिकमेंड करूँगी, और भी लोगों को जिनको तकलीफ़ है, बहुत अच्छा है। और ज़्यादातर एलोपैथी में क्या होता है, ऐसे नहीं है कि मैंने नहीं लिया, मैंने बहुत लिया, बट वो क्या होता है, थोड़ी देर तक वो रहता है, फिर उसके बाद वापस स्टार्ट हो जाता है। ये ऐसा नहीं है, इसको आपको अंदर से ही फील होगा कि आपको बहुत रिलीफ हुआ, बहुत ही अच्छा लगता है, ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, तो ये बहुत ही अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगा। क्या इलाज कराया था आपने एलोपैथी में? एलोपैथी में सर बहुत, मैंने सब दवाई लिया था, मतलब इसके लिए पैन देते थे, मतलब बहुत एसिडिटी सारा, के लिए? एसिडिटी के लिए बहुत रिलीफ, तो उन लोग ने जो जड़ है वो नहीं किया, उस टाइम वो दर्द कम हो जाता था, फिर वापस वही डाइजेशन का प्रॉब्लम, वही कॉन्स्टिपेशन, वही सेम होता था। NSAIDs, दर्द कम हाँ करने की जो दवाइयाँ हैं, हाँ नॉन सर, स्टेरॉयडल। फिर मैंने क्या हाँ, सोचा कि चलो मैं वो, ये दूसरा इलाज कौन सा है, होम्योपैथी, होम्योपैथी होम्योपैथी। करती हूँ, बट वो थोड़े दिन अच्छा रहा सर, फिर वो भी वो नहीं हुआ सर। तो अभी हम इसके बाद इनको कुछ दिन तक घर पे बस्ती करने के लिए बोलेंगे, और 3-4 महीने में ये टोटली लाइफ टाइम के लिए इनकी जो भी जॉइंट्स है, जलन वलन है, ठीक हो जाएगी। अभी मैंने आपको बोला हर साल में एक बार विरेचन और विरेचन बस्ती बस्ती करना करना, है ओके ताकि सर, ये दोबारा ना आए। ओके सर, ठीक है, अभी श्योर, शोल्डर का जलन दर्द वर्द कुछ कोई नहीं नहीं है, सर, एसिडिटी नहीं सर, जॉइंट्स का पेन नहीं सर, कुछ भी नहीं है, नहीं सर, और जो जलन हो रहा था हाथ पैर में अभी नहीं कुछ सर, है? बहुत नहीं, गुड। कुछ नहीं, अच्छा, आपने एफर्ट्स भी बहुत अच्छे दिए और हाँ इसलिए सर, उनको आराम है। तो हाँ सर, ये पावर है आयुर्वेद का, अगर आपको भी आमवात, जलन, दर्द ये सब तकलीफ है, आपके यहाँ पे जो भी अच्छा आयुर्वेदिक पंचकर्म सेंटर होगा वहाँ जाकर आप दिखाइए, जो डाइट है फॉलो कीजिए, और उन्होंने डाइट फॉलो की सबसे हाँ मेन सर, चीज़ है ना, हाँ सर, डाइट को आपने कुछ भी ऐसा नहीं नहीं किया, किया सर, औषधियाँ ली टाइम पे, बस्ती, विरेचन और बस्ती, लगभग 20 दिन के अंदर उनकी ये प्रोसीजर हो गए, और अभी उनको ऑलमोस्ट दर्द में 100 में से कितना परसेंट आराम है? सर 95 बोलूँगी, मेरे को नाइन्टी तो फाइव बहुत परसेंट आराम और है जलन में 100 में से कितना परसेंट रिलीफ बोल सकते हैं? सर, पूरा मेरे को तो नहीं हो रहा था अभी दर्द, कोई जलन हाँ वलन नहीं, नहीं है, जलन दर्द बिल्कुल नहीं नहीं है, है सर, ठीक है, चलेगा। और बहुत मॉर्निंग में अभी अब सुबह सो के उठने पे पेन होता है? नहीं ये सर, बिल्कुल अभी नहीं होता, बिल्कुल नहीं सर, तो ये पावर और है मुझे आयुर्वेद विश्वास है का। अभी और 3 महीने जब मैं बस्ती लूँगी तो मैं एकदम ही फिट हो आप फिट जाऊँगी, हो जाओगे हाँ ऐसे ना, सर, चलेगा। थैंक यू सुंदरी जी, थैंक यू थैंक सर, यू। थैंक यू सो मच।